بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आप लोग ये देख सकते हैं ये मैं ये गली है तो पानी जो है एक जगह से इसमें लगाने एक जगह से पानी गटर में डालने के लिए ये मैं सेटिंग करूँगा ताकि इधर वाला पानी जो है बिल्कुल यहाँ पे आ जाए और ये एसी पता है भी ऊपर से आ रहा है हर टाइम जो है गली भीगी रहती है इसको इसलिए लगा देंगे ताकि पानी कोई अगर साफ़ करेंगे तो उसमें आएगा इसको आपको दिखाता हूँ मैं कैसे लगाना है लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जैसे कि ये देख सकते हैं ये टफ है इसको यहाँ पे लगाएंगे इसलिए और इसका जो इसमें करेंगे ताकि अगर कचरा वगैरह फंस भी जाए इसको ये वाले को खोल के साफ कर सकते हैं अगर डायरेक्ट डालेंगे तो स्मेल आएगी इसको करने से पहले यहाँ पे निशान लगा के कटर से काट लेने का इस तरह करके निशान लगा लेना उल्टा करके इसका निशान लगा लेना यहाँ से ये बुलात ख़त्म हो रहा है यहाँ से आगे निशान लगा यहाँ से ग्राइंडर से काट लेने का लगेगा ऐसे लेकिन उल्टा करके निशान लगा अभी ग्राइंडर से मैंने काट लिया अब इसको तोड़ के नीचे बिठाऊंगा कितना चाहिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इकट्ठा कर लिया और ये साफ भी कर दिया ठीक है इससे मैंने साफ भी अभी इसको सीमेंट बना के यहाँ पे डाल दें इसके ऊपर लेवल से रखोगे ये रेडी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फिट कर लिया है अभी इसमें लेवल कैसे चेक करना है वो भी आसान सा तरीका आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे बेस्ट यही है इसमें पानी डाल के चेक किया जाए अभी इसमें कलता बना कर डालूंगा ये देख सकते हैं बिल्कुल इसके थोड़ा सा दो एक एक सेंटी अंदर डाल दिया ठीक है ना अभी इसको कलता डाल दूंगा ना जाम हो जाएगी
पैर से 68 अगर यहाँ तक रुकेंगे तो ये भाई का 11.5 11.5 मैं काटूँगा 11.5 1 सेंटी अंदर रखेंगे तो 14 सेंटी आ जाएगा, 14 सेंटी का पीस काट देंगे। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो मैंने ये लगा दिया, ये थोड़ी सी टेढ़ी लगाई है ताकि पानी जो है इसके अंदर जो है सही हो। उससे कम से कम 0.5 सेंटी जो है मैंने नीचे रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी कीड़ा है ना, इसलिए थोड़ा ऐसे